किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे धान की फसल को बीपीएच के प्रकोप से कैसे बचाएं। पहले तो ये समझना जरूरी है, होप्पर, तेला, अलग अलग नाम है इसके, ये क्या करता है, कितने तरह का होता है। हमारे यहाँ पे धान की फसल में मुख्य रूप से दो तरह का तेला आता है, एक जिसको बोलते हैं सफ़ेद पिट वाला तेला और एक ब्राउन प्लांट होप्पर। दो तरह का तेला आता है, उनमें से जो उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं निम्फ और एडल्ट, जैसा आप सामने देख रहे हैं दोनों ही अवस्थाएं हमारी फसल को नुकसान करती हैं। किस तरह का नुकसान करती हैं ये आप देखोगे कि इस तेले से खेत में हमारी इस तरह से सारी की सारी फसल बीच बीच में से दलियें पड़ जाती हैं, कहीं से हरा है कहीं पे नहीं। जहां जहां पे तेले का प्रकोप ज्यादा होता है वहां पे फसल पूरी तरह से सूख जाती है और हमें उपज में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि शुरू से हम अच्छा खाद देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन फिर भी हमें उपज नहीं मिलती। ये देखो इस तरह के गोल गोल दायरे बीच बीच में खेत के चारों तरफ पड़ जाते हैं और ये हमारे तने की अवस्था बन जाती है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी फसल गिर भी जाती है और कंबाइन से काटने में भी हमें दिक्कत आती है। तो ये जो तेला है, ये जो नुकसान करता है, ये बड़ा भारी का नुकसान हमारी धान की फसल में करता है। इसको नुकसान से बचाने के लिए हमें क्या करना है, आज हमारे पास इसको बचाने के लिए एक डेंटोटसु नामक दवाई जो सुमिटोमो कंपनी ने दी है, बड़ी ही सुरक्षित दवाई है। ये दवाई तेले से प्रकोप को बचाने के लिए हमारी फसल में बड़ी ही कारगर सिद्ध है। अब बात करते हैं इस दवाई की मात्रा और इस दवाई का समय क्या हो। डेंटोटसु की जो मात्रा है वो हमें 50 ग्राम प्रति किला देनी है। यहाँ पे किसान भाइयों एक बात ध्यान में रखो, इस दवाई का जो हमें प्रयोग करना है वो हमें प्रिवेंटिव करना है। जब हमारी फसल की अवस्था गब्बे से बाली निसरने तक क्या होता है, उस टाइम 1, 2, 3, 4 तेले हमारे पर पौधे मिलते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, और वही अवस्था है जब हम डेंटोटसु का प्रयोग करें। उसके बाद इस समय पे दवाई डालने से क्या होगा, एक तो हमारा तेले का कंट्रोल होगा और बाद में जैसा हमने पहली स्लाइड में आपको दिखाया कि दड़िये दड़िये पड़ के फसल सूख जाती है वो नहीं सूखती। इसके प्रिवेंटिव प्रयोग करने से हमें हमारी धान की फसल में जो तेले से सुरक्षा मिलती है वो हमें लगभग 20 दिन की सुरक्षा मिलती है और उस टाइम तक हमारा धान अच्छी प्रकार से निसर जाता है और कोई ज्यादा दिक्कत धान में नहीं आती। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, कैसे पता चलेगा कि अब प्रयोग का समय आ गया? जब हम खेत में जाए तो उस टाइम कुछ बाली बाहर होंगी और कुछ बाली अभी अंदर बन चुकी है लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं आई, और पौधे की जड़ में अगर हम देखें तो हमें 2, 4, 5 तेले हरेक पौधे के जड़ में, जड़ के ऊपर, बेस में, पानी के ऊपर तैरते हुए या पौधे के साथ चिपके हुए हमें मिलेंगे। तो जब ये शुरुआती अवस्था है वही एक समय है जब हमें डेंटोटसु का प्रयोग करना है। एक बार तेले की बहुत ज्यादा अवस्था बढ़ने पर कोई भी दवाई अच्छी तरह से काम नहीं करती, तो जो डेंटोटसु का प्रयोग है वो हमें प्रिवेंटिव करना है, बिल्कुल शुरुआती अवस्था में करना है, क्योंकि इसका प्रिवेंटिव बड़ा लंबा असर है। जैसे मैंने बोला कि 20 दिन तक ये आपकी फसल को पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा और इस समय में आपकी सारी बाली वाली सारी बड़ी अच्छी तरह से निसर जाएंगी और जो हमारी उपज है वो अच्छी मिलेगी हमें। अब इसके लिए जरूरी है कि हम जो स्प्रे है वो अच्छी तरह से करें, स्प्रे को नीचे की तरफ नोजल को करके करें और पानी कम से कम हम 150 लीटर पानी एक किले के हिसाब से लगाएं। मात्रा हमें नहीं बढ़ानी, मात्रा इसकी सिर्फ 50 ग्राम रखनी है, लेकिन जो पानी की मात्रा है वो हमें थारो कवरेज करना है, क्योंकि स्प्रे के ऊपर बहुत बड़ा रोल रहेगा आपका, कितना लंबा असर मिलता है और कितना अच्छा कंट्रोल मिलता है। इस दवाई को कभी भी हमें जब बहुत हैवी इन्फेस्टेशन आ जाता है कीड़े का, बहुत ज्यादा एक पौधे पे हजारों की तादाद में जब ये बन जाते हैं, उस समय तो कोई भी दवाई इतना अच्छा काम नहीं करते, जो नुकसान हमारा होना होता था वो पहले हो चुका होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको तेले के आने से पहले ही प्रयोग करें, ताकि जो मैंने पहले आपको स्लाइडें दिखाई थी उसमें आपने देखा कि किस तरह से दड़िये दड़िये बनगी, किस तरह से दड़िये बनती हैं, ये देखो ये अवस्था हमारी फसल की कभी नहीं आएगी। और इस अवस्था से बचने के लिए हमें इसका जो हमें डेंटोटसु का जो प्रयोग करना है वो इसकी शुरुआती तेले की शुरुआती अवस्था में करना है, जब हमारी फसल गाब्बे से बाली निसरने की अवस्था में हो। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि
अच्छा, कि जहां पे हमने डेंटोटसु का प्रयोग किया है वहां पे हमारी जो फसल है, जो उसका तना है, जो क्रोप है हमारी, वो बड़ी हेल्दी है, और जबकि जहां पे हमने डेंटोटसु का प्रयोग नहीं किया तो आप देखो वहां पे क्या पोजीशन हमारी फसल की है, ये तो वैसे ही सारी लोज हो जाएगी, तने में भी कोई ताकत नहीं, लेकिन जहां पे डेंटोटसु का प्रयोग किया है तो बड़ी हरी भरी फसल हमारी मिलेगी। तो किसान भाइयों, डेंटोटसु प्रिवेंटिव प्रयोग करना है, डेंटोटसु की मात्रा 50 ग्राम प्रति एकड़ है और इसको अच्छी तरह से हमें स्प्रे करना है। ये दवाई आप किसी भी फंजीसाइड में मिला के या दूसरे कोई इंसेक्टिसाइड आपको किसी और कीड़े के लिए करना हो के मिला के कर सकते हैं। ये दवाई बहुत ही ज्यादा कंपेटिबल दवाई है और बड़ी एक सेफ दवाई है। बस यही ध्यान रखें कि इस दवाई का प्रयोग हमें प्रिवेंटिव करना है। धन्यवाद।